हाय गाइस, नमस्ते. वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे. अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपकी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आपकी इस रीडिंग के जरिए कुछ हेल्प होती है तो. ऑलराइट, नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है. काफी टाइम से आपके आपके पार्टनर से बात नहीं हुई है. उनकी फिलहाल क्या करंट एनर्जी है एंड उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. ऑलराइट, ये देखने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज हम इस रीडिंग के जरिए टैरो की मदद से. पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3. पायल नंबर 1 में जो कार्ड है रिसेप्टिविटी, पायल नंबर 2 इज न्यू विजन, पायल नंबर 3 इज द ड्रीम. इन तीनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको गाइस सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो सिलेक्ट कर लीजिए. टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो वहां से आप देख सकते हैं कि कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है. पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3. साथ ही में गाइज, अगर आप चाहें तो मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. पर्सनल रीडिंग्स आर नॉट फ्री, पर्सनल रीडिंग्स आर पेड, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूं. ऑलराइट, पायल नंबर 1, 2 एंड 3. लेट्स बिगिन द रीडिंग विद पायल नंबर 1, जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है रिसेप्टिविटी. अगर गाइज आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू. नो कॉन्टेक्ट पीरियड में आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है एंड उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. गाइज, अगर आपके पास चैनल के लिए कुछ सजेशंस हो तो प्लीज बता दीजिए. कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई रीडिंग आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. लेट्स टेक अ लुक. टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ऑल राइट, ये जो पर्सन है जिनकी आपसे अभी बातचीत नहीं हो रही है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो आपके एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ हो सकते हैं या प्रेजेंट हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं. मे बी सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है. द हायरोफेंट इज द कार्ड फॉर मैरिज, इसलिए मैंने ये कंसिडरेशन लिया है यहाँ पे. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ये कोई नया रिलेशनशिप नहीं है, दैट्स फॉर श्योर. ये इंसान आपके जो भी पर्सन है एट प्रेजेंट, इनका माइंड और इनके इमोशंस स्टेबल नहीं है. टू ऑफ पेंटिकल्स, इनका माइंड और इनके इमोशंस अभी फिलहाल स्टेबल नहीं है तो ये कुछ फाइनल किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं है. एंड क्योंकि आपका ध्यान इस कार्ड की तरफ गया है रिसेप्टिविटी की तरफ, विच इज काइंड ऑफ लाइक रिसीविंग समथिंग, सो मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू कॉन्टेक्ट देम और मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें अप्रोच कर लें. टेन ऑफ सॉर्ड्स, या तो यहां पर इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है या आपने इनका ट्रस्ट तोड़ा है. ब्रोकन ट्रस्ट, पीठ में छुरा भोंकना, दिस इज द कार्ड फॉर दैट. आपके रिलेशनशिप में विद द टेन नंबर एक साइकिल अभी खत्म भी हुआ है, एक फेज अभी खत्म भी हुआ है. ये फ्यूचर को लेके डरे हुए हैं. नाइन ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पायल नंबर 1, ये इंसान अपने फ्यूचर को लेके या इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके डरे हुए हैं. एंड इन्होंने यू नो ये आपको स्टेबिलिटी का ऑफर देना चाहते हैं, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ अच्छी चीज ऑफर करना चाहते हैं, पर ये जो यहाँ पे छोटी कैट बैठी है ना, ये प्रॉब्लम है. ये है सीक्रेट्स, ये है हिडन बातें. तो कुछ में भी ये कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो इनको रोक रही है आप तक पहुंचने के लिए या आपको दोबारा कांटेक्ट करने के लिए. और क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से. आपके बारे में ये क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं या रिसेंटली इन्होंने क्या फील किया है. टेक दिस कार्ड, आई स्टिल लव यू. वो समय ठीक नहीं था. डेंजर प्लेयर, डेंजर. मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं. यस, इनके इमोशंस अभी ठीक जगह पर नहीं है, कह लीजिए इनका माइंड जो है वो अभी स्टेबल नहीं है. इसकी वजह से ये किसी को भी सही ऑफर या सही
चीज ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। डेंजर प्लेयर, डेंजर, ये प्लेयर एनर्जी भी इनकी निकल के आई है। तो मे बी पास्ट में भी इन्होंने आपके अलावा भी कुछ कई लोगों के साथ में भी चीटिंग करी, अगर इनकी तरफ से हुई है तो, आपकी तरफ से हुई है तो मे बी दिस इज योर एनर्जी, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। एनर्जीज इंटरचेंज भी हो सकती हैं। ऑल राइट, इनकी तरफ से मैसेज है आई स्टिल लव यू। तो ये अभी भी मे बी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट जो है इनका, वो आपके साथ अभी भी बना हुआ है। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि वो समय ठीक नहीं था। मे बी जिस वक्त आपका सेपरेशन हुआ, आप लोग अलग हुए, इनको ऐसा लगता है कि वो शायद वो आपको ब्लेम नहीं देना चाहते, एंड कहीं ना कहीं ये अपनी खुद की गलती भी नहीं मानना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि वो समय ही ठीक नहीं था, जिस वक्त जो भी कुछ हुआ है वो टाइम ही ठीक नहीं था। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? ओके, यस, कम्युनिकेशन होने की यहाँ पे जरूरत है। मे बी आपको उनसे बात करनी चाहिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर हेल्थ को लेके यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी आपके पार्टनर की लाइफ में भी, मे बी वो अनहेल्दी फील कर रहे थे 10 of Swords के साथ, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि उनकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। एंड अगर आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। नॉट द राइट टाइम, समय ठीक नहीं था, नॉट द राइट टाइम। अभी भी आई बिलीव दिस इज नॉट द राइट टाइम, अभी भी टाइम ठीक नहीं है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। ऑफ कोर्स, बिकॉज ये अभी तैयार ही नहीं है। एंजल्स भी आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये पर्सन अभी रेडी नहीं है। ये अपने पास्ट की प्रॉब्लम से, आप लोगों ने जो भी कुछ साथ में एक्सपीरियंस किया है उससे अभी ये उबर के आगे नहीं आ पाए हैं, या उसको अभी ये ठीक से, उन्हीं चीजों को अभी ये ठीक से डील नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट्स अ प्रॉब्लम देयर। ऑल राइट, पाइल नंबर वन, ये थे मैसेजेस और फीलिंग्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की। ऑल्सो गाइज, इट्स अ जनरल रीडिंग, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, या हो सकता है इनमें से कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हों जो आपके लिए हों। अगर इस रीडिंग के जरिए मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ या आपकी कुछ मदद कर पाई हूँ, तो प्लीज टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पायल नंबर टू के लिए क्या मैसेजेस हैं। आई पुट इट बैक एंड आई कीप दिस असाइड। ओके, पाइल नंबर टू गाइस, जिन्होंने न्यू विजन कार्ड सिलेक्ट किया है, अगर आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। नो कॉन्टैक्ट पीरियड में आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। ओके 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 फाइल नंबर टू के लिए द सन, द एम्प्रेस, लियो एनर्जी, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ऑल राइट, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की लियो राशि भी हो सकती है। ओके गाइस, सो एक चीज जो मुझे यहां पर मैसेज जो मुझे यहां पर नजर आ रहा है, न्यू विजन एंड न्यू होप। सन, द सन इज द कार्ड फॉर अ न्यू होप, एक नई उम्मीद। तो वो एक नई उम्मीद यहां पे उभरती हुई नजर आ रही है। यस गाइस, यस, ये आपसे कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन करने वाले हैं जल्द ही। नाइट ऑफ सॉल्स एंड किंग ऑफ सॉल्स, एक कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है आपके फ्यूचर में, मे बी अगले आने वाले 3 से 6 दिन में, 3 से 6 हफ्ते में आपकी इनसे कुछ ना कुछ बातचीत होने वाली है, और बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत रहेगी ये। दूसरी चीज गाइज, अगर पास्ट में आपके साथ, आपके रिलेशनशिप में या आपका जो भी बॉन्ड है, क्लैरिटी नहीं थी, ये आपसे ठीक तरीके से बात नहीं करते थे, अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो आई बिलीव इस सेपरेशन के पीरियड के बाद जब नेक्स्ट टाइम आपकी इनसे बात होगी, तभी आपको ज्यादा क्लैरिटी दे पाएंगे फ्यूचर के बारे में और आपके रिलेशनशिप के बारे में। एंड अगर आपके माइंड में कुछ थॉट्स भी हैं, कुछ सवाल भी हैं, तो ये आपको उन सवालों के जवाब भी देंगे।
ठीक, और क्या ऐसी बातें हैं जो फिलहाल इनके माइंड में चल रही हैं, या इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? पायल नंबर टू के लिए आई स्टिल लव यू, मैं सही समय पर समझ नहीं पाया या मैं सही समय पर समझ नहीं पाई, टेक इट एज इट रेजोनेट्स. मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर. वन पर्सन इज ओवर डूइंग, कोई एक इंसान है इस रिलेशनशिप में जिसने कुछ ज्यादा ही एफर्ट्स लगाए हैं इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, और दूसरी तरफ से एनर्जी कह लीजिए या फीलिंग्स कह लीजिए उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं हुई है. मैं आगे बढ़ चुका हूं या मैं आगे बढ़ चुकी हूं, लगता है मैंने आपको खो दिया. तो इनको मुझे लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, या आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में. ठीक, इनके माइंड में ये सारे थॉट्स आ रहे हैं फिलहाल, या अभी रिसेंटली इन्होंने ऐसा फील किया है, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद आप खुद ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो तो इनको भी आगे बढ़ जाना चाहिए. थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं इनके माइंड में और क्या चल रहा है, या ये डीपली डीपली आपके लिए क्या फील करते हैं, इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. आई टेक थ्री मोर कार्ड्स. आपने मेरा बहुत साथ दिया, वर्कप्लेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल. मैं आपको कॉल करने के बारे में सोच रहा हूं, या मैं आपको कॉल करने के बारे में सोच रही हूं. यस गाइस, दिस कन्वर्सेशन इज कमिंग. ये जल्दी, अगर आपके कॉन्टेक्ट में नहीं है ये पर्सन, तो ये आपको कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं फिलहाल, या इन्होंने रिसेंटली आप मे बी इन्होंने कॉल लॉग में जाके आपका नंबर देखा है, या अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके आपका नंबर एक बार देखा है. कुछ ना कुछ ये इंसान ऐसा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनके माइंड में चल रहा है कि इनको आपको कॉन्टैक्ट करना है. आपने मेरा बहुत साथ दिया, इनको रियलाइज होता है कि जब भी आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे. सी द वन पर्सन इज ओवर डूइंग, मे बी इनको पता है कि आपने कुछ ज्यादा ही साथ दिया है इनका, आपने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है. पाइल नंबर टू, इनको रियलाइज होती है ये चीज, ये सोचते हैं इस बारे में. एंड मे बी आपके लिए ये एक हिंट हो सकता है, वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल. मे बी आप लोगों ने साथ में पढ़ाई करी है, मे बी आप लोग साथ में यूनिवर्सिटी या स्कूल टाइम से आप साथ में पढ़ चुके हो, या साथ में आप काम कर चुके हो, या एट प्रेजेंट भी करते हो. ये एक हिंट हो सकता है गाइज आपके लिए. पाइल नंबर टू, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? गाइज, अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग के जरिए सिर्फ आपकी नहीं और भी किसी की मदद हो सकती है, तो प्लीज वीडियोस को शेयर भी कर दिया करिए. एंजल्स की तरफ से इस रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है? लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका दिल क्या कहता है? अनलाइकली. ओके, आई टेक रिमेन पॉजिटिव. रोमांस, रोमांस का कार्ड आया है. मे बी ये लविंग रिलेशनशिप जो है आपका, एक बार फिर से यू नो न्यू होप है. यहाँ पे द सन का कार्ड है, एंड आपका ध्यान इस कार्ड की तरफ गया है. न्यू विजन है, न्यू होप है रोमांस में. आपको पॉजिटिव रहना है, यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव. पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, अच्छी चीज ही एक्सपेक्ट करनी है. ये पर्सन ऑलरेडी आपको कॉल करने के बारे में, आपको कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं. ये थॉट आया है इनके माइंड में अभी. लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन की बात भी सुननी है. आपकी अंतरात्मा क्या कहती है इस रिश्ते के बारे में, इस पर्सन के बारे में, आप दिल से क्या फील करते हो? अनलाइकली, कुछ ना कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है इस रिलेशनशिप का, वो भी आपको कंसिडर करना है. सिर्फ पिंक ग्लासेस लगा के सारी पॉजिटिव चीजें ही नहीं देखनी है. जो पॉजिटिव के साथ अगर नेगेटिव भी हुआ है, आपके साथ अगर गलत भी हुआ है, तो वो चीज भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर याद रखनी है.
ऑल राइट, ये एंजल्स की तरफ से गाइज आपके लिए मैसेजेस हैं एंड ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है फाइल नंबर टू. अगर इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ, आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ, तो प्लीज टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम. आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर थ्री के लिए क्या मैसेजेस हैं देख लेते हैं. ऑल राइट, पाइल नंबर थ्री जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है द ड्रीम. गाइज अगर आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है. आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है पाइल नंबर थ्री के लिए, व्हाट इज द करंट एनर्जी, फिलहाल क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट पीरियड में, आपके लिए क्या फील करते हैं एंड उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. ठीक, फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, द वर्ल्ड है, एट ऑफ कप्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स. यहां पर भी ये इंसान आपसे कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये एट प्रेजेंट अभी जहां पर भी हैं अपनी लाइफ में, कहीं पर भी हैं, ये कंप्लीट फील नहीं करते हैं. इनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है. एट ऑफ कप्स इज अबाउट मिसिंग समथिंग और मिसिंग समवन. तो कहीं ना कहीं आई बिलीव ये आपको याद करते हैं. यहां पे आई बिलीव पास्ट में आपके रिलेशनशिप में काफी डिफरेंसेस आ चुके हैं, काफी स्ट्रगल्स थे आपके रिश्ते में, या एट प्रेजेंट भी काफी स्ट्रगल्स हैं इस रिलेशनशिप में. इनको भी यही फील होता है कि ये रिलेशनशिप ना पहले आसान था ना अभी आसान है. बट आई बिलीव ये आपके सेपरेशन से पहले की एनर्जी है. सेपरेशन के बाद आई बिलीव ये आपको मिस कर रहे हैं, या आपसे कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं. एस ऑफ सॉर्ड्स, डिवाइन टाइमिंग पर, एक परफेक्ट टाइमिंग पर ये कन्वर्सेशन होगी एंड ये आपको कुछ ना कुछ ऑफर भी करेंगे. मे बी एक न्यू बिगिनिंग ये आपको ऑफर करना चाहते हो, मे बी आपको एक बार फिर से रिलेशनशिप, नया रिलेशनशिप ऑफर करना चाहते हो एंड नो कॉन्टैक्ट पीरियड में ये वो टाइम याद कर रहे हैं गाइज, क्योंकि आपका ध्यान इस कार्ड की तरफ गया है. ये वो टाइम याद कर रहे हैं जब आप लोग साथ में हुआ करते थे. यस, राशियां यहाँ पे जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस राशि हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है, हम कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि हो सकती है. ऑलमोस्ट सारी राशियां ही हैं यहाँ पे गाइज. मोर स्पेसिफिकली आई वुड से यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस राशि, ये राशियां हो सकती हैं. एरीज राशि ज्यादातर मुझे यहाँ पे फील हो रही है. और क्या थॉट्स हैं आपके बारे में, ये क्या सोचते हैं या रिसेंटली इन्होंने आपके बारे में क्या सोचा है. मैं आपको कॉल करने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ. आई मिस यू. यस, जल्द ही वापस आऊंगा या जल्द ही वापस आऊंगी. टेक इट एज इट रेजोनेट गाइज. ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सिंपल मैसेजेस हैं. जल्द ही वापस आऊंगा या जल्द ही वापस आऊंगी, तो मे बी आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं. वी हैव मैनी डिफरेंसेस जो कि यहाँ पे आ गया है. फाइव ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट डिफरेंसेस. अब ये डिफरेंसेस मे बी ये एज के भी हो सकते हैं, मे बी ये किसी भी तरीके का डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में. सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो सो कॉल्ड रूल्स बने हुए हैं, मे बी उनके अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंस हो. वी हैव मैनी डिफरेंसेस. आई मिस यू. ये आपको याद करते हैं गाइस. एट ऑफ कप्स इज अबाउट मिसिंग समवन. ये मिस करते हैं आपको, ये याद करते हैं आपको. एंड मैं आपको कॉल करने के बारे में सोच रहा हूं या मैं आपको कॉल करने के बारे में सोच रही हूं, ये थॉट अभी इनके माइंड में आया है. थ्री मोर मैसेजेस. दिस कार्ड, वो समय ठीक नहीं था मे बी जिस वक्त आप लोग अलग हुए हैं.
ये कह रहे हैं कि वो टाइम ही ठीक नहीं था। एक हिंट है हमारे पास यहाँ पे, डस्की व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। एंड लगता है मैंने आपको खो दिया। ओ नो, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया, लेकिन अगर इन्होंने आपको खो दिया होता तो आप इस वक्त ये रीडिंग थोड़ी देख रहे होते। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है परमानेंटली। वो समय ठीक नहीं था, ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि उस टाइम को ब्लेम कर रहे हैं जिस टाइम पर आप लोगों के बीच में ये डिफरेंसेस आए हैं, ये जिस टाइम पर आप लोगों ने स्ट्रगल फेस करी है किसी तरीके की अपने रिश्ते में। सो ये उस टाइम को ब्लेम कर रहे हैं, ये अपनी गलती नहीं मान रहे हैं ना ये आपको ब्लेम कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि वो शायद वो टाइम ही ठीक नहीं था रिलेशनशिप में आने के लिए, या जो भी कुछ हुआ, दैट टाइम वॉजेंट राइट। डस्की व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन लुक्स के रिगार्डिंग कुछ हिंट हो सकता है। ऑल राइट, एंजल्स की तरफ से इस रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है? पाइल नंबर 3 जिन्होंने सिलेक्ट किया है गाइस, आपके लिए एंजल्स की तरफ से, आपके रिलेशनशिप के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? क्या मैसेज है, क्या मैसेज है? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, नो ट्रस्ट, नो ट्रस्ट, यस। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है इस रिलेशनशिप पर, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। अब टाइम आ गया है कि आपको इस वक्त किसी और की मदद लेने की जरूरत है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं गाइस, पाइल नंबर 3, एंजल्स आर टेलिंग यू टू टेक हेल्प फ्रॉम समबडी एल्स, किसी से हेल्प लेने की आपको जरूरत है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या मे बी अपने पार्टनर से एक बार फिर से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनके माइंड में काफी हद तक आपको मिस तो कर ही रहे हैं। 8 of Cups के साथ एंड आई मिस यू का कार्ड भी यहाँ पे आ गया है, और ये जल्दी वापस आने के बारे में भी सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज समवन हु इज विलिंग टू गिव यू एन ऑफर, आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं आने वाले फ्यूचर में। बट इनको इस दुख भरी फीलिंग से निकालना पड़ेगा, इसके लिए किसी की जरूरत है। आपको किसी से कनेक्ट होने की जरूरत है। ये गाइडिंग मैसेजेस हैं गाइज आपके लिए एंजल्स की तरफ से। पाइल नंबर 3, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। अगर इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ, या आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर पाई हूँ, कुछ क्लैरिटी प्रोवाइड कर पाई हूँ, तो प्लीज टैरो बाय टीजे को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा अगर इस रीडिंग के जरिए आपकी मैंने हेल्प करी है तो। ऑल राइट गाइज, एंड अगर कोई सजेशन है आपके पास, कोई पिक अ पाइल रीडिंग, किसी भी तरीके की कोई रीडिंग आप सजेस्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।